हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड चार्जेस के बारे में। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में, और डीसी सर्किट नेटवर्क एनालिसिस में इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है चार्जेस और करंट के बारे में। चार्जेस क्या होता है और करंट क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपको करंट के बारे में अगर डिटेल में अगर समझना है और अगर चार्जेस के बारे में अगर आपको डिटेल में समझना है, तो आप डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। करंट के बारे में एकदम पूरा डिटेल वे में एक्सप्लेन किया गया है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल के एक प्लेलिस्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, उसमें पूरा डिटेल में एकदम एक्सप्लेन किया गया है कि चार्जेस क्या होते हैं। तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, एक एक चीज़ के बारे में, चार्ज के बारे में डिटेल एनालिसिस की गई है। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ करंट एंड चार्जेस के कॉन्सेप्ट में, हमारे एकदम हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चार्जेस का मतलब क्या होता है, चार्जेस एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के लिए, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल फिनोमिना के लिए। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आप देख रहे हो, या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना आपको देखने मिलता है, फॉर एग्जाम्पल थंडर स्टॉर्म होता है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है, वो सब चीज़ के पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। कोई भी इलेक्ट्रिकल फिनोमिना या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल कॉज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि हमें पता है, यहाँ पर हमें पता होना चाहिए एटम का मतलब क्या है। हर एक जो सब्सटेंस होता है, या फिर बोल सकते हैं जो मैटर होता है, वो बना होता है मॉलिक्यूल से, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं एटम से, और जो एटम होते हैं वो बने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं, जो मटेरियल होता है वो बना होता है, या फिर जो बोल सकते हैं जो मैटर है वो बना होता है मॉलिक्यूल से, और जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बना होता है एटम से, और जो एटम होता है वो बना होता है सब एटॉमिक पार्टिकल से, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो एटम के अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये होता है एटम का फंडामेंटल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप है वो हमें इंडिकेट कर रही है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, बेसिकली ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर होते हैं चार्जेस, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एटम होता है वो बना होता है इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग एटम के फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे कि हमें पता है हमारे फेस का बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास दो ईयर होता है, दो आइज होती है, सिमिलरली एक नोज़ होता है, सिमिलरली जो एटम होता है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। मैं एकदम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो एटम होता है उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है। एटम में बेसिकली होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। अभी आप सोच रहे होगे कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज अगर रिसाइड कर रहे हो, तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और वो जो फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत बहुत कम होता है, जिसके वजह से बेसिकली होता क्या है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ट्रेमेंडियसली हाई होता है। तो जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जब हम लोग न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करेंगे, तो उस केस में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर बोल सकते हैं जब हम लोग एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियस, उसके बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो ट्रेमेंडियसली हाई होता है एटम के केस में। जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं एक्ट करता है, न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से दो से ज़्यादा जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर बेसिकली होते हैं प्रोटॉन्स, और जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साथ में होते हैं। अब ये न्यूट्रॉन क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, न्यूट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसमें ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है न्यूट्रल। तो अभी हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग कट टू कट डिस्कस करते जाएंगे, डिटेल एनालिसिस हम लोग कोई और कॉन्सेप्ट में करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो एटम ये न्यूक्लियस के अक्रॉस होती है वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में बेसिकली अटैच होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली वे में भी अटैच हो सकते हैं, या फिर टाइटली वे में भी अटैच हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग मटेरियल कौन सा ले रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें, जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है और जो प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है।
तो इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, और वो जो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। जो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रॉन में जो नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन में जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, मगर नेचर अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है वो है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन में जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और जो एक कूलम चार्ज होता है वो बराबर में होता है 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करते जाओ क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रोटॉन का मास और जो न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो बराबर में होता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है बहुत कम होता है, दोनों का जो मास होता है वो सेम होता है, मगर जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा कम होता है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में। जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूट्रॉन होता है वो चार्जलेस होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ना ही उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। मगर अगर हम लोग प्रोटॉन के बारे में डिस्कस करें तो जो प्रोटॉन होता है वो एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। सिमिलरली अभी करंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर करंट के बारे में अगर आपको डिटेल में अगर समझने का डिटेल एनालिसिस अगर आपको चाहिए, करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये सब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप डीसी सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाके देखो, उसमें करंट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो अभी हम लोग करंट को सिंपल वर्ड में डिफाइन करेंगे। करंट का मतलब ये होता है फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो चार्ज का जो फ्लो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में उसको हम लोग बोलते हैं करंट। और जो दो टाइप के करंट होते हैं बेसिकली, कन्वेंशनल करंट और नॉन कन्वेंशनल करंट। जो कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, और जो नॉन कन्वेंशनल करंट होता है नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है। सिमिलरली अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म कंसिडर करें करंट का, तो जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है वो होता है dQ/dt। ये हमें इंडिकेट कर रहा है रेट ऑफ चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है मैथमेटिकल फॉर्म करंट का, और ये डिफरेंशियल फॉर्म है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली जो करंट है उसको एक्सप्रेस करने का, उसको शो करने का एक और एक फॉर्म होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। तो जो इंटीग्रल फॉर्म है उसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना होगा। जो इंटीग्रल फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का होता है q(t)(ioft)(dt). ये होता है मैथमेटिकल फॉर्म। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो लिमिट होगी वो होगी -∞ से t तक। सिमिलरली यहाँ पर ये जो इंटीग्रल फॉर्म है अगर इसको हम लोग एक्सपांड करें, तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल फॉर्म है अगर इसको हम लोग एक्सपांड करें तो हम लोग लिख सकते हैं q(t)(ioft)(dt), और जो लिमिट होगी वो होगी -∞ से 0 + sin (ioft)(dt), और जो लिमिट होगी वो होगी 0 से ∞। तो यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, आप इसको 5-6 बार लिख लो, क्योंकि ये हम लोग बहुत बार यूज़ करने वाले पूरे एंटायर कोर्स में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए इंटीग्रल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है पास्ट कंडीशन में जो सर्किट में जो चार्ज है वो, और यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल हमें इंडिकेट कर रहा है जो फ्यूचर में जो सर्किट में जो चार्ज होगा वो, या फिर बोल सकते हैं जो प्रेजेंट कंडीशन में जो चार्ज होगा वो, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं ये जो इंटीग्रल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इनिशियल कंडीशन, और ये वाला जो इंटीग्रल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है फाइनल कंडीशन। अगर हम लोग टाइम एक्सिस कंसिडर करें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर टाइम एक्सिस कंसीडर करें, टाइम जीरो यहाँ पर हमने कंसीडर किया, यहाँ पर टाइम होगा -∞, यहाँ पर हमने कंसीडर किया टाइम +∞। तो अगर हम लोग देखें -∞ से टाइम जीरो के बीच में जो सर्किट में जो चार्ज होगा वो हमें ये वाला इंटीग्रल शो करेगा। सिमिलरली टाइम जीरो से लेकर +∞ तक सर्किट में जो चार्ज होगा वो हमें ये वाला इंटीग्रल शो करेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है इनिशियल कंडीशन, चार्ज अंडर इनिशियल कंडीशन, और यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है चार्ज अंडर फाइनल कंडीशन। अगर इनिशियल स्टेट में या फिर इनिशियल कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर सर्किट में जीरो होता है, तो सिंपली ये वाला जो इंटीग्रल होगा उसको हम लोग जीरो बना देंगे, तो हमें मिल जाएगा q(t)(q(0)+∫ioft)(dt), और जो इंटीग्रल की जो लिमिट होगी वो होगी 0 से ∞ तक। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अगर इनिशियल कंडीशन जीरो है तो ये वाला जो इंटीग्रल होगा सिंपली आप उसको जीरो पुट कर दो, और आगे का जो इंटीग्रल होगा वो आपको कंसीडर करना होगा चार्ज अंडर प्रेजेंट कंडीशन। तो हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे और हम लोग ये वाला जो फॉर्मूला होगा उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेसिकली उसको दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसमें जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होते रहता है,
और जो डायरेक्ट करंट होता है वो ऐसा करंट होता है जिसमें जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। हैंस जो डायरेक्ट करंट होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं ग्राफ के हेल्प से, और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है अल्टरनेटिंग करंट उसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं ग्राफिकली। ये इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं साइन वेव, और ये होती है साइनोसॉइडल साइन वेव, साइनोसॉइडल वेव भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो करंट का जो मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है, हम लोग देख सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था वो जो इंटीग्रल वाला जो एग्जांपल है अभी हम लोग कंसीडर करेंगे। हमने डिस्कस किया था करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वो इंटीग्रल कंसीडर करते हैं जिसमें एक इंटीग्रल हमें शो करता है इनिशियल कंडीशन, दूसरा वाला फाइनल कंडीशन। फाइंड आउट द टोटल चार्ज एंटरिंग इन अ टर्मिनल बिटवीन टाइम 1 सेकंड टू 2 सेकंड इफ़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द टर्मिनल इज आई और वो बराबर में 3D² - 3 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह कंडक्टर, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और यहाँ पर ये वाला जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल क्यों होता है या फिर ये वाला टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल क्यों होता है, अगर आपको डिटेल इसके बारे में एकदम जानना है तो DC सर्किट एंड नेटवर्क एनालिसिस प्ले लिस्ट है, उसमें पूरा डीप में एक्सप्लेन किया गया है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कितना चार्ज फ्लो करेगा टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड की हमें यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दी गई है क्वेश्चन में। तो 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कितना चार्ज फ्लो करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और हमें करंट कुछ इतना दिया हुआ है I=3D²-T। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनिशियल कंडीशन का यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन दी ही नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्रेजेंट कंडीशन के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन, प्रेजेंट कंडीशन के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे इंटीग्रल ऑफ I(t)·d(t). सिमिलरली जो टाइम है, जो टाइम की जो लिमिट है वो है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच, और जो करंट है वो हमें दिया गया, और जो करंट है वो है 3D²-t। अभी हम लोग क्या करेंगे 3D²-t इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3t⁻³³, और यहाँ पर ये जो टी है इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो हमें मिल जाएगा t²² 2। यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा t²³ - t²² 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पुट करेंगे लिमिट। तो जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2³ - 2² 2। सिमिलरली माइनस साइन, अभी हम लोग 1 को पुट करेंगे पूरे उसमें, पूरे इक्वेशन में 1 माइनस, हमें मिल जाएगा 1 / 2। यहाँ पर जो 1 होगा उसको हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे t³ की जगह, तो हमें मिलेगा 1 - t² की जगह पुट करेंगे 1, यहाँ पर हमें मिलेगा 2। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा 8 - 4 / 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4। सिमिलरली माइनस साइन, ये जो 2 होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिल जाएगा 2 - 1 / 2। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 8 - 2 - 1 / 2, 8 - 2 हो जाएगा 6, तो हमें मिल जाएगा 6 - 1 / 2। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12 - 1 / 2 = 11 / 2। तो जो चार्ज जो फ्लो करेगा वो होगा 5.5 कूलम। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है, और कुछ इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंटीग्रल। सिमिलरली जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे भी पूछे जाते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ग्राफ के हेल्प से हमें आंसर करना होता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते, एक सिंपल सा एग्जाम्पल एज्यूम कर लेते, सर्किट में फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर करंट। तो सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है उसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं ग्राफिकली। तो हम लोग कुछ इस तरीके से ग्राफ कंसीडर करते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें अगर हमें कुछ इस तरीके से एरिया अगर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये जो एरिया अगर इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये एरिया के मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो ग्राफिकल वे में अगर हम लोग आंसर करें किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, तो उस केस में जो ग्राफ का जो एरिया होगा या फिर जो ग्राफ में हमें जो पैटर्न मिलेगा उसका जो एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो मान लेते हैं सर्किट में फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर करंट, और यहाँ पर हमें ग्राफ दिया गया है, यहाँ पर हमें दी गई है वैल्यू 1 और यहाँ पर हमें दी गई है वैल्यू 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ग्राफ का हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर ये ग्राफ हमें किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये हमें रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग कंसिडर करें जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जो लेंथ होगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ब्रेथ को कंसीडर करेंगे, तो जो लेंथ होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर बहुत हद तक के क्लियर है, तो हमें मिल जाएगा 5 × 1 = 5 m²
और ये एग्जैक्टली बराबर में होगा सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसके। तो यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ 5 मीटर स्क्वायर के बराबर में, इसका मतलब जो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो 5 एम्पियर करेगा। तो कुछ इस तरीके से ग्राफिकली हम लोग आंसर कर सकते हैं ग्राफ के हेल्प से कि सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन कंसीडर किया, यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टाइम, और यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दी गई है करंट की 10 एम्पियर, यहाँ पर ये 5 एम्पियर होगा, यहाँ पर टाइम 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज व्हेन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड। जब टाइम 1 सेकंड होगा या फिर 3 सेकंड होगा, और जब 5 सेकंड का जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो उस केस में हमें फाइंड आउट करना है करंट या फिर बोल सकते हैं चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है 1 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चार्ज होगा वो। तो अगर हम लोग देखें 1 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें फाइंड आउट करना है चार्ज, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो पूरा जो एरिया होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के जो हमें जो लेंथ जो मिलेगी वो होगी 10 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। तो हमें मिलेगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमें मिल जाएगा 10 इंटू 1, हमें मिल जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। तो जब टाइम जब पॉइंट ऑफ टाइम 1 सेकंड होगा, तो उस केस में सर्किट में जो चार्ज होगा वो होगा 10 कूलम। सिमिलरली 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो सर्किट में जो चार्ज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, 5 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर सर्किट में जो चार्ज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर मतलब हमें यहाँ तक के एरिया कंसीडर करना होगा। ये वाला एरिया हमने कंसीडर किया, हमें ये वाला एरिया कंसीडर करना होगा कर्सर की टिप, ये वाला एरिया कंसीडर करना होगा और हमें ये वाला एरिया कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया उसको जो हमने फाइंड आउट किया, तो जो एरिया का जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने कंसीडर किया 10 प्लस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 इंटू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हाइट होगी 5 सेंटीमीटर और जो बेस होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर। तो हमने कंसीडर किया 5 इंटू 1, क्योंकि हमें पता है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट प्लस साइन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो एरिया है जो कि ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो लेंथ होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर, तो हमें मिल जाएगा 5 इंटू 1। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो एरिया है उसकी भी जो लेंथ और जो ब्रेथ होगी वो होगी 5 इंटू 1, जिसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो हाफ है वो हमें इंडिकेट कर रहा है 1/2 इंटू 5 इंटू 1, ये हमें इंडिकेट कर रहा है जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो। सिमिलरली ये जो 5 इंटू 1 है जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है 5 इंटू 1, वो हमें इंडिकेट कर रहा है ये एरिया नंबर 2 का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली 1/5 हमें इंडिकेट कर रहा है ये एरिया नंबर 3 का मैग्नीट्यूड। तो इसको अगर हम लोग आगे कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाएगा a = 10 + 1/2 × 5 + 5 + 5, तो हमें मिल जाएगा 5 + 5 + 5, हमें मिल जाएगा 15, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 22.5 कूलम। तो जब 3 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम होगा, तो उस केस में जो सर्किट में जो चार्ज होगा वो होगा 22.5 कूलम। तो ये हमें कैसा मिला, अगर इसको आपको कैलकुलेट करना नहीं समझ रहा है तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया 10 + 1/2 × 5 + 5 + 5, तो ये हमें मिल जाएगा 15, तो हमें मिल जाएगा 10 + 1/2 × 15। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 15 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 10 + 15/2। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 होगा उसको हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 20 + 15/2, हमें मिल जाएगा 45/2 = 22.5। तो कुछ इस तरीके से हमें चार्ज मिला 22.5 कूलम जब पॉइंट ऑफ टाइम 3 सेकंड होता है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम 1 सेकंड होता है तो उस केस में हमें जो चार्ज जो मिला वो मिला 10 कूलम। सिमिलरली अभी हमें फाइंड आउट करना है 5 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना चार्ज होगा, तो 5 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर सिमिलरली चार्ज फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 कूलम। 30 कूलम कैसा मिलेगा 5 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही एग्जांपल कंसीडर किया है, तो यहाँ तक के अगर हम लोग देखें यहाँ तक के ये 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें जो चार्ज जो मिला था वो मिला था 22.5 कूलम। तो उसके आगे हमें ये वाला जो एरिया होगा वो भी कैलकुलेट करना होगा, ये वाला जो एरिया होगा वो भी कैलकुलेट करना होगा, एरिया नंबर 4 और एरिया नंबर 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वही हमने कैलकुलेट किया है 22.5 प्लस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 22.5 है यहाँ तक के जो एरिया होगा 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर जो हमें एरिया मिलेगा, मतलब 3 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें जो एरिया मिला उसको हमने कंसीडर किया जो कि 22.5। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने 22.5 कंसीडर किया, सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो एरिया होगा एरिया नंबर 4 इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, वो होगा 1/5। सिमिलरली ये ट्रायंगल का एरिया, तो अगर हम लोग देखें तो हमें मिल जाएगा 1/5 प्लस वो ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 × 1/5। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 22.5 + 5 + 1/2 × 5, तो इसके आगे हमें मिल जाएगा 22.5 प्लस
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो 5 होगा ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला जो 5 है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ये जो 2 होगा वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो हमें मिल जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। तो हमें 15 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 7.5, तो मिल जाएगा 22.5 प्लस 7.5 हमें मिल जाएगा 30 कूलम। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये 5 सेकंड के पॉइंट ऑफ टाइम पर, जब 5 सेकंड का पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उस केस में जो सर्किट में जो चार्ज होगा वो होगा 30 कूलम। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है और हमें सॉल्व करना होगा। अगर हम लोग एरिया के रेस्पेक्ट में अगर प्रूफ कर रहे हैं कि चार्ज कितना फ्लो होगा, तो हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे। सिमिलरली हम लोग ये इंटीग्रल वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर हमें चार्ज कैलकुलेट करने बोल दिया जाए।